आजकल बाल झड़ने की समस्या आम हो गई है। हर दूसरा व्यक्ति बाल झड़ने से परेशान है। खासकर युवाओं में यह समस्या तेजी से बढ़ रही है। विशेषज्ञों का मानना है कि खराब जीवन शैली, प्रदूषण और असंतुलित आहार इसका मुख्य कारण हो सकते हैं। इसके अलावा हमारे खान पान में पोषक तत्वों की कमी, खासकर प्रोटीन और आयरन की कमी से बालों के विकास पर असर डालती है। इसको लेकर राजधानी रायपुर के डाइटिशियन डॉक्टर सारिका श्रीवास्तव क्या कुछ कहती हैं, आइए आपको सुनवाते हैं। देखिए, जब आपका बॉडी में न्यूट्रिशन की कमी होती है, यदि आप प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं ले रहे होते हैं, तो हेयर फॉल होना बहुत ही कॉमन होता है। और साथ ही साथ कई बीमारियों में देखा जाता है आपके हेयर फॉल होते हैं, जैसे आप थायराइड के पेशेंट हैं या आपके अंदर यदि डेफिशिएंसीज हो रही है विटामिन की, तो भी आपके अंदर हेयर फॉल्स देखे जाते हैं। साथ ही साथ में यदि आपकी बॉडी में प्रोटीन डेफिशिएंसी होती है, तो भी आपको हेयर फॉल देखे जाते हैं। तो हेयर फॉल जो है कोविड के टाइम से बहुत ज्यादा बढ़ गया है। इसको लेकर बहुत लोग बहुत ज्यादा परेशान है, क्योंकि लगातार जैसे हेयर फॉल जो है ये देखे जा रहे हैं। नॉर्मली जो होते हैं 100 हेयर्स पर डे का जो फॉल होता है, इट्स नॉर्मल, बट आपके उससे ज्यादा यदि हेयर फॉल पर डे हो रहे हैं, मतलब इट्स लाइक कि आपका ये हेयर फॉल ज्यादा हो रहा है। तो हेयर फॉल होने का सबसे बड़ी जो इम्पोर्टेंट इश्यू होता है कि या तो आप जरूरत से ज्यादा प्रोटीन का इंटेक भी कर रहे हो, तो प्रोटीन यदि नॉर्मल जितनी रेंज होती है, जैसे कि 0.18 ग्राम जो एक नॉर्मल फीमेल को लेना चाहिए और 1 ग्राम जो है प्रोटीन जो है पर डे आपको लेना होता है एडल्ट मेल को, परंतु यदि उससे कम या ज्यादा मात्रा में आप प्रोटीन ले रहे हैं, आपके शरीर में यदि आपकी प्रोटीन की कमी हो रही है या जरूरत से ज्यादा हो रहा है, तो भी आपके जो हेयर होते हैं वो कमजोर हो जाते हैं। सेकेंड वन जो होता है बायोटीन, आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। यदि बायोटीन की कमी होती है, डाइट में यदि प्रॉपर बायोटीन नहीं होता है, तो भी आपकी डाइट मतलब हेयर फॉल देखा जाता है। और साथ ही साथ में यदि आप बहुत लंबी किसी बीमारी से उठ रहे हैं, जैसे टाइफाइड है या डेंगू है या मलेरिया है, या आपको यदि बहुत ज्यादा वीकनेस हो रही है या मैल न्यूट्रिशन हो रहा है, तो भी मैल नरिशमेंट के समय भी हेयर फॉल देखा जाता है। तो हेयर फॉल को कंट्रोल करने के लिए सबसे पहली बात है, यदि प्रोटीन डेफिशिएंसी से हेयर फॉल हो रहा है, तो आपको अपनी डाइट में दूध, दही, डेयरी प्रोडक्ट्स है, पनीर है, यदि नॉन वेजिटेरियन है तो एग, चिकन जैसी, फिश जैसी चीजों को आप इंक्लूड कर सकते हैं। साथ ही साथ में आपको सीड्स लेने चाहिए, जैसे फ्लैक्सीड, सनफ्लावर सीड्स जैसे, इनको इनटेक करना चाहिए। आप काजू का सेवन करते हैं, तो काजू जो होता है आपके हेयर फॉल को कंट्रोल करता है, क्योंकि इसमें जिंक भी पाया जाता है। जिंक जो है यदि उसकी कमी होती है, तो भी हमारे हेयर फॉल होते हैं। साथ ही साथ में हमें क्या करना चाहिए, जैसे काजू ले रहे हैं तो उसमें बायोटीन भी पाया जाता है, साथ ही जिंक पर्याप्त मात्रा में पाया जाता है। आप अपनी डाइट में जो है नॉन वेजिटेरियन फूड्स आप इंक्लूड कर सकते हैं, पनीर जैसी चीजों को इंक्लूड करिए। और आप यदि फ्लैक्सीड्स का सेवन करते हैं, यदि उनको बाल उनसे धोते हैं, तो भी डेफिनेटली आपके हेयर फॉल को कंट्रोल करता है। इंटरनल यूज के लिए तो हमें डाइट में प्रोटीन बढ़ाना है, साथ ही साथ में जैसे कि आप नॉन वेजिटेरियन है तो फिश का जरूर इंटेक करिए, फिश लीवर ऑयल का यूज कर सकते हैं, एलोवेरा का आप उपयोग कर सकते हैं। और साथ ही साथ में आप जैसे ड्राई बीन्स है, सत्तू है, इनका उपयोग करते हैं, काजू बादाम जैसी चीजों का उपयोग करते हैं, तो डेफिनेटली ये हेयर फॉल को रोकेगा। एक्सटर्नल यूज पे आप दही जो है उसके साथ में यदि फ्लैक्सीड्स को पानी में भिगाकर सुबह लगाते हैं, सल्फर की कमी से भी आपके हेयर फॉल होते हैं, तो आप अपनी डाइट में प्याज है, प्याज का रस आप बालों पे एक्सटर्नल भी यूज कर सकते हैं, प्याज को आप इंक्लूड करिए। और सल्फर के लिए जैसे अदरक का रस है, इनको भी यदि आप अपने बालों पे लगाते हैं, तो डेफिनेटली आपके हेयर फॉल को कंट्रोल करते हैं।